हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरु जी। जैसा कि दोस्तों 18 तारीख से एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं दोस्तों, और एमपी और दोस्तों 18 तारीख के बाद एमपी एसआई के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लाया हूँ एमपी एसआई का दोस्तों। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो एमपी एसआई के गत वर्ष में पूछे गए हैं, और दोस्तों कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बहुत ही मोस्ट आईएमपी हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती गत वर्ष पूछे गए प्रश्न, और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो मोस्ट आईएमपी है दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये पार्ट बन रहे दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है कहाँ पे दोस्तों, तो दोस्तों ये स्थित है शहडोल जिले के सुहागपुर में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालयों की स्थापना की राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय ने कहाँ प्रारंभ किया, तो दोस्तों नीमच जिले के झातना ग्राम में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि मध्य प्रदेश का मोहत गांव नरसिंहपुर जिला क्यों चर्चित रहा, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश का जो मोहत गांव नरसिंहपुर जिला है, जो दोस्तों यहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति थे वो संस्कृत में बात करते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि इंदौर संभाग में पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ नामक दो जिले हैं। पश्चिमी निमाड़ को खरगोन कहते हैं, तो पूर्वी निमाड़ को क्या कहते हैं, तो दोस्तों पूर्वी निमाड़ को कहते हैं खंडवा। ये दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश के किस नगर में दो विश्वविद्यालय हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के जो जिस नगर में दो विश्वविद्यालय हैं वो है जबलपुर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बेतवा नदी का उद्गम स्थान है, काफ़ी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों है, आप उसे तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन जिले का कुमरा नामक ग्राम, काफ़ी मोस्ट आईएमपी है दोस्तों, इसको आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक लंबा चौड़ा पत्थर फैला हुआ है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में एक लंबा चौड़ा पत्थर फैला हुआ है जो लावा की मिट्टी से बना है, मतलब दोस्तों जो लावा की मिट्टी से बना है, और जिसके दक्षिण से विंध्याचल की श्रेणियाँ फैली हुई हैं, और जिसके दक्षिण में विंध्याचल की श्रेणियाँ फैली हुई हैं, ये पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा पठार है दोस्तों, तो दोस्तों ये पठार है मालवा का पठार दोस्तों, ये पत्थर जो है वो मालवा का पठार है दोस्तों। ये भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार, काफ़ी मोस्ट आईएमपी दोस्तों क्वेश्चन है ये मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन से नंबर का राज्य है, दोस्तों सन 2000 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का छठे नंबर का स्थान है दोस्तों, सॉरी छठे नंबर का राज्य है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि ओकारेश्वर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों ओकारेश्वर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह है कि भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों, तो दोस्तों भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है ग्वालियर किले को दोस्तों, काफी मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राज्य में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री दोस्तों है राजा नरेश चंद्र सिंह, ये भी दोस्तों काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कुल 50 जिले, काफी मोस्ट आईएमपी ये भी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है किसको, पंचमढ़ी को दोस्तों, सतपुड़ा की रानी को नाम से संबोधित किया जाए पंचमढ़ी को, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी मोस्ट आईएमपी, इसको भी आप तैयार कर लीजिए दोस्तों, पंचमढ़ी को कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, सतपुड़ा की शैलमालाओं से घिरी पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों होशंगाबाद में ये स्थित है, ये सतपुड़ा की शैलमालाओं से घिरी ये जो जिला दोस्तों है पंचमढ़ी का, ये होशंगाबाद में ये स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भोपाल ताल किस राजवंश के शासनकाल में बना था दोस्तों,
दोस्तों जो भोपाल ताल है जो ये परमार वंश के शासनकाल में बना था दोस्तों, काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी तैयार कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश की सीमा को कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा है वो यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है दोस्तों, सॉरी महाराष्ट्र को स्पर्श करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि डॉक्टर हरि सिंह, श्री डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम है दोस्तों? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय किस विश्वविद्यालय का परिवर्तन नाम है दोस्तों? तो दोस्तों ये जिसका परिवर्तन नाम है वो है सागर विश्वविद्यालय दोस्तों, श्री हरि सिंह के नाम से जो विश्वविद्यालय जो उस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित नाम जो है वो है सागर विश्वविद्यालय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि घाटी गांव अभयारण्य कहाँ पे है दोस्तों? काफी इजी क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों घाटी गांव अभयारण्य है ग्वालियर में दोस्तों, ये भी आप लोग तैयार के लिए काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, आने वाले एग्जामों में ये पूछा जा सकता है दोस्तों एमपीएसआई में दोस्तों, ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों जो परियोजना जो मध्य प्रदेश गुजरात की संयुक्त परियोजना है वो नर्मदा घाटी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि पीथमपुर को भारत का डेट्राइट कहा जाता है, ये किस जिले में है? तो दोस्तों ये धार जिले में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि घाटी गांव अभयारण्य कहाँ पे है? दोस्तों घाटी गांव अभयारण्य ग्वालियर में दोस्तों, काफी मोटा ये भी क्वेश्चन, ये भी दोस्तों आप इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि भारत का लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इंदौर में स्थापित किया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी काफी मोस्ट आईएमपी है, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, ये किस नदी के तट पर लगता है? काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी दोस्तों, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, आने वाले एग्जामों में ये पूछा जा सकता है एमपीएसआई में दोस्तों। तो ये दोस्तों शिप्रा नदी पर दोस्तों स्थित है दोस्तों, सॉरी शिप्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1956 ईस्वी में दोस्तों, काफी मोटा यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है, आप इसको भी तैयार कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों क्या, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में सागर जिले में बीना में स्थापित तेल रिफाइनरी का लोकार्पण प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किस तिथि को किया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो डॉक्टर प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया था ये 10 जून 2011 को लोकार्पण किया गया था दोस्तों तेल रिफाइनरी का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, किन्हें पुकारा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्या दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर जो है वो जबलपुर के राज्य में सबसे ज्यादा स्थापित होता है दोस्तों, जबलपुर में दोस्तों काफी मात्रा में यहाँ पे सफेद संगमरमर का उद्योग होता है दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश में आयुष्मती योजना चलाई गई है, किसके द्वारा दोस्तों? इसलिए चलाई गई है दोस्तों क्योंकि ग्रामीण भूमिहीन परिवारों की महिलाओं को इलाज के बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दोस्तों, काफी मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी दोस्तों, आप इसको भी तैयार कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इंदिरा गांधी सागर परियोजना निम्नलिखित में से स्थित है नर्मदा नदी पर दोस्तों, नर्मदा नदी पर दोस्तों ये स्थित है दोस्तों। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि विश्व विख्यात खुजराहों के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कराया था, कौन से समय में कराया था दोस्तों? 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य दोस्तों, काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों ये, आप इसको भी तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जो है वो छतरपुर में स्थापित किया गया है दोस्तों, छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों साहित्य मध्य प्रदेश में साहित्य पुरस्कार जो साहित्य परिषद द्वारा अखिल भारतीय महाराज वीर सिंह पुरस्कार जो दिया जाता है वो उपन्यास के लिए दिया जाता है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत क्या था दोस्तों। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का साक्षरता दर था 70.63%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये कपिल धारा और दुग्ध धारा जल प्रवाह स्थित है कहाँ पे। तो दोस्तों ये कपिल धारा और दुग्ध धारा जल प्रवाह स्थित है नर्मदा नदी पर दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी मोस्ट आईएमपी है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा, सॉरी वृंदावन वर्मा ने अपने उपन्यास मृगनयनी में किस राजा का चित्रण किया है दोस्तों। तो दोस्तों राजा मानसिंह तोमर का चरित्र चित्रण किया है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये मैंने ये वीडियो बना दिया, इसका पार्ट टू मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जिन भाइयों ने बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एमपीएसआई के एग्जामों के लिए आपके लिए काफ़ी ये उपयोग साबित होगा दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।